तो हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा शानदार है क्योंकि दिल्ली का मौसम इतना ज़्यादा शानदार हो रहा है और मन कर रहा है कि बस अंदर ना जाऊँ और इस बारिश में घूमता रहूँ। बचपन के मुझे याद है, जब छोटा हुआ करता था और जब बारिश बहुत तेज़ आती थी ना, मैं सब अपने कपड़े वपड़े खोल के छत पर आया करता था और फिर बारिश में या तो मैं ज़मीन पर लेट जाया करता था या बस एक एक बूंद को एक्सपीरियंस करता था। और क्योंकि इसका अलग ही मज़ा है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करना अपनी लाइफ में। ये छोटी छोटी खुशियाँ बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं क्योंकि इस पैंडेमिक के चलते भाई कोई भी इतना ज़्यादा खुश नहीं है कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी प्रॉपरली जी पा रहा है। तो रिसेंटली क्या हुआ, मुझे खबर मिली मेरे बचपन के दोस्त की एंड उसके पापा वॉज टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना। वो मुझे बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग लगा क्योंकि अपने इतने क्लोज बंदे के पापा के साथ ऐसा होना बहुत ज़्यादा भाई तुम्हें टेंशन में डाल देता है। तो उस रात की ऐसी कुछ कहानी है कि हम लोग जितने भी हैं उस फ्रेंड को छोड़कर सारे कॉन्फ्रेंस पे आए और एक दूसरे को सहारा दे रहे थे, विच वॉज़ लाइक अप्रिशिएबल। उन दो घंटे या तीन घंटे में जो बात करी आपस में एक दूसरे को सहारा देते हुए वॉज़ कमेंडेबल। यही बोलना चाहूँगा कि भाई वो फैमिली है जो बहुत अच्छे से प्रिकॉशन लेती है, एक एक चीज़ कर रही है, उसके बावजूद भी अगर ये हो रहा है तो प्रॉब्ली इसका कोई इलाज नहीं है। सो जस्ट स्टे सेफ एंड अपने आप को बस अंदर बंद करके रख लो और कुछ भी मत करो इस दुनिया में। फॉर्चुनेटली मुझे खबर मिली थी कि उसकी फैमिली सेफ है, विच वॉज वेरी रिलीविंग फॉर मी। एंड उसके पापा आई होप जल्दी ठीक हो जाए एंड आप लोग भी होप करो कि जल्दी से जल्दी इस सिचुएशन से हम लोग बाहर निकले एंड फिर से अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस आ जाए। ऑल दो काफ़ी टाइम है उसमें एंड ये इम्पैक्टिकल बात है कि जल्दी चला जाएगा, बट स्टिल जो जो चीज़ें हो रही हैं, जो जो डिसीजन सरकार ले रही है वो आप सबको बता के ले रही है। इसका ये मतलब है कि आप लोग अपनी लाइफ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होगे एंड ट्रस्ट मी, दिल्ली में स्पेसिफिकली हॉस्पिटल्स नहीं हैं एडमिट करने के लिए, तो जितना तुम सेफ रह सकते हो वो रहो। आई एम जस्ट कंसर्न अबाउट माई मदर क्योंकि वो भी अभी गवर्नमेंट जॉब में है एंड वो जाती रहती हैं, मतलब हफ्ते में दो या तीन दिन उनको जाना ही होता है ऑफिस और मुझको कहीं ना कहीं डर लगा रहता है। एनीवेज, पिछले व्लॉग में आप लोगों को मैंने बोला था कि मैं अपना रूम डेकोर करने की सोच रहा हूँ, अभी तक प्रॉपर अच्छे तरीके से नहीं हुआ है क्योंकि कुछ सामान है जो मुझे बाहर से लेके आना है, पर जो मैं पिछली बार अनबॉक्स कर चुका हूँ आपके सामने वो मैंने ऑलरेडी लगा दिया है। तो सबसे पहली झलक आपको दिखाता हूँ अपने दीवार की। तो ये जो दीवार है, आप जानते हो कि मेरा बैकग्राउंड होता है मेरी बेसिक टॉकिंग हेड वीडियोस के लिए एंड ये जो अभी फोटोज देख रहे हो ये बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगी, छोटी है, कॉम्पैक्ट है एंड प्रॉपर एक एस्थेटिक फीलिंग दे रही है। लेकिन इससे पहले जो फोटोज लगी थी वो आपको अभी दिखाता हूँ। ये कुछ फोटो फ्रेम्स थे जो मैं लाया था बंजारा मार्केट से एंड ये वुड के बने हुए हैं और ये जो सामने आप देख रहे हो ये थोड़े प्लास्टिक की फ्रेम है। सबसे पहली फोटो ये थी जो लगी हुई थी ऊपर एंड ये मुझे काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिकली अगेन प्लीजिंग लगे थे क्योंकि व्हाइट और ब्लैक कलर मेरी वॉल के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। ये दूसरी फोटो एंड लास्टली ये थी तीसरी फोटो। सिर्फ यही नहीं, कुछ और फ्रेम्स भी आए हैं सिमिलर, ऐसे दिखते हो, मैंने 9 फ्रेम्स इन टोटल मंगवाए थे। नेक्स्ट फ्रेम इस तरीके का कुछ दिखता है एंड मैं इनको चेंज करता रहूँगा ताकि ऐसा लगे कि अलग अलग दीवारों पर शूट हो रहा है। ये एक टेक्निक होती है नॉर्मल फिल्म मेकिंग की। दूसरा ये है, इसका नाम है भाई बिल्लू बरेथियन। ये अभी आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। मैं इसका नाम बिल्लू बरेथियन इसलिए क्योंकि ये हिरण मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा और यू नो नर्डी एंड विद द यू नो हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स अच्छा लगा तो मैंने इसको चूज़ किया था। एक पोस्टर इस तरीके का है, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल लगेगा। नेक्स्ट एक और अगेन सिंपल से कोट। लास्ट के दो जो हैं ये थोड़े बड़े हैं, वाइल्ड वन एंड स्पेंड एवरी डे क्रिएटिंग अ वर्ल्ड दैट यू वांट टू लिव इन। ये दो सबसे बड़े फ्रेम्स इन सब पूरे के। ऑल दो अगर इन सबको 9 के 9 को साथ में लगाऊंगा तो ज़्यादा अच्छी फील आएगी, लेकिन मैंने सोचा कि अभी फिलहाल नो इट्स नॉट COVID-19, धूल आ रही है। अभी फिलहाल मैंने सोचा कि इनको तीन तीन करके चेंज करते रहते, जब मेरा मूड चेंज होगा तब मैं कहीं और करूंगा। अभी फिलहाल आपको दिखाता हूँ दूसरा डेकोर। बेड के ऊपर की दीवार दिखाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि बिल्लू बरेथियन असली वाला कहाँ है। उसको मैंने पीछे खड़ा कर दिया एंड ये मेरे ना यहाँ के पूरे रूम की गार्डिंग करेगा, जब भी कोई आएगा सबसे पहले ये देखेगा। फिलहाल देखो स्लोमो अगेन बेडरूम वॉल का। सो दिस इज द वॉल ऑफ द बेडरूम एंड आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ये सारा सामान जितने भी स्टिकर्स आप देख रहे हो, इन ग्रोन नेल होने के बावजूद, जो ऑपरेशन हुआ था उसके बावजूद मैंने खड़े होकर बीन बैग के ऊपर रखकर लगाई है। द स्ट्रगल वॉज रियल
और ये जो थी फ्लिपकार्ट से मंगवाई है सिर्फ 160 रुपए के सारे वॉल स्टिकर आए थे एंड साथ साथ जो फ्रेम देखे हैं आपने वो भी अराउंड 1000 रुपए के थे बट इट वॉज अ गुड डील तो मुझे लगा कि 9 फ्रेम्स मिल रहे हैं। ऑल्दो दिस इज नॉट द लास्ट डेकोर मेरे रूम का, मुझे ना एक स्टेबल लाइफ पसंद नहीं है, मुझे एक स्टेबल जिंदगी पसंद नहीं है, मुझे चेंजेस लाते रहना पड़ता है एंड चेंज स्टार्ट होता है जहाँ पे तुम रहते हो, जैसे तुम खाते हो, जैसे तुम कपड़े पहनते हो, जैसे तुम पीते हो, सब चीज़ों से, तो उनमें चेंजेस लाते रहना चाहिए। अगर स्टेबल हो गई लाइफ भाई पत्थर थोड़ी है हम लोग। तो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि भाई अपने नेल का ख्याल रखो, सही हो जाएगा जल्दी एंड आपकी दुआ की वजह से द नेल इज़ रिकवरिंग रियली फास्ट, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हो रहा है एंड आई होप मैं प्रॉपरली कुछ टाइम में शूज़ भी पहन पाऊँ और उसके बाद यू नो जैसे जो नॉर्मल जिंदगी थी वैसे चल पाए। और काफ़ी लोग ये भी बोल रहे थे कि व्लॉग जल्दी लाओ, व्लॉग जल्दी लाओ, तो भैया व्लॉग्स की डिमांड आ रही है, जल्दी से जल्दी आते रहेंगे, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ जैसे जैसे मैं बना पाऊँ वैसे वैसे आप लोगों के सामने रख पाऊँ। तो आज का व्लॉग बस यही था, एंड करते हैं फिलहाल इसको और नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं आप लोगों से। टिल द नेक्स्ट टाइम स्टे सेक्सी, स्टे स्टाइलिश, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट।